नमस्कार। यूपी में जुर्म के बादशाहों के चेहरे जितने मासूम नजर आते हैं, उससे कहीं ज़्यादा उन मासूम चेहरे के पीछे खौफनाक सच्चाई छुपी होती है। उन्हीं खौफनाक सच्चाई का पीछा करते करते उत्तर प्रदेश पुलिस को भी एक नया तरीका ईजाद करना पड़ता है ताकि उस खौफनाक सच्चाई से पर्दा उठाया जा सके। जी हाँ, वाकया दरअसल 2004 का है, जब रमेश यादव उर्फ डॉन रमेश कालिया को पकड़ने के लिए पुलिस को एक नया तरीका ईजाद करना पड़ा था। इस दौरान पुलिस को यहाँ पर एक बारात का रूप धारण करना पड़ा था और उसमें एक सिपाही जो बनी थी वो पुलिसकर्मी ही थी। सवाल ये उठता है कि आखिर डॉन को पकड़ने के लिए पुलिस को ऐसा सहारा क्यों लेना पड़ा, इसकी सच्चाई हम आपको बताएंगे आज के इस शूटआउट में। रमेश यादव उर्फ रमेश कालिया, यूपी का वह माफिया जिसने 21वीं सदी की शुरुआत में ही ठेकेदारों और बिल्डरों की रूह कपा रखी थी, उसका एनकाउंटर करने के लिए पुलिस को अनोखा रास्ता अख्तियार करना पड़ा। महिला कांस्टेबल दुल्हन बनी तो इंस्पेक्टर ने दूल्हे का वेश धरा, बाकी पुलिसकर्मी बाराती बनकर कालिया के ठिकाने पर पहुंचे और उसका काम तमाम कर दिया। एसपी के एक नेता की गाड़ी को सरेआम रोक कर हत्या करने से कालिया सुर्खियों में आया था। देखिए, रमेश कालिया जो है उत्तर प्रदेश का सबसे खतरनाक भू माफियाओं में सबसे खतरनाक माफियाओं में रहे हैं और रमेश कालिया के नाम से पूर्वांचल पूरा थर्राता था। रमेश कालिया ने जब एक विधायक की हत्या करी थी तो सरकार हिल गई थी और सरकार की नीयत पे, सरकार की कार्यप्रणाली पे, सरकार की व्यवस्थाओं पर सवाल उठने लगा था। तो उस समय मुझे याद है कि जब ये घटनाक्रम हुआ था तो एसएसपी नवनीत सिकेरा थे, शायद मुजफ्फरनगर में पोस्टेड रहे हों, शायद वही पोस्टिंग था उनका, तो उनको स्पेशली बुलाया गया था इस माफियागिरी को खत्म करने के लिए। हिंदुस्तान की पुलिस के इतिहास में ऐसे मौके और ऐसे मंजर बहुत कम आए हैं जब पूरी की पूरी पुलिस टीम को न सिर्फ बाराती बनना पड़ा बल्कि बारातियों की तरह नाचना भी पड़ा, और ये सब सिर्फ इसलिए ताकि एक ऐसे कुख्यात गैंगस्टर का एनकाउंटर किया जा सके जिसने सीधे पुलिस को ही चुनौती दे दी थी। शूटआउट की ये कहानी यूपी के कुख्यात गैंगस्टर रमेश कालिया की है जिसने कई सालों तक पूरे यूपी में आतंक मचा रखा था। कालिया के शूटआउट के लिए खास तौर पर एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की टीम बनाई गई थी। लखनऊ का रायबरेली रोड, विदाई के बाद दो तीन कारों से बाराती लौट रहे थे मगर अचानक दुल्हा दुल्हन की अगुवाई में सभी बाराती कार से उतरते हैं और एक मकान की तरफ दौड़ते हैं। बिल्कुल प्रोफेशनल अंदाज में दुल्हन अपनी कमर से रिवाल्वर निकालती है और दूल्हा अपनी जुराब से। फिर वे सभी घर के अंदर दाखिल होते हैं और बाराती घर में मौजूद गुंडों को ललकारते हैं। दोनों ओर से फायरिंग शुरू हो जाती है। बारातियों के हमले से घबराए मकान में छिपे कुछ लोग भाग जाते हैं और कुछ गोली खाकर ढेर हो जाते हैं। एक आध पुलिस वाले भी गोली लगने से जख्मी हो जाते हैं। फिर शूटआउट के बाद वहां खामोशी पसर जाती है। दरअसल बाराती बनकर मकान पर धावा बोलने वाले कोई और नहीं बल्कि यूपी पुलिस के अफसर थे। जो वेश बदलकर उस वक्त के कुख्यात गैंगस्टर रमेश कालिया का शिकार करने आए थे और वे अपने मकसद में कामयाब भी हो गए।
ये वारदात 2 फरवरी 2005 की है, जब रमेश कालिया गैंगस्टर था। उसके आतंक से राजधानी लखनऊ भी थर थर कांपती थी। उसके हाथ सर पर कई सफेदपोश लोगों का हाथ था। श्री प्रकाश शुक्ला के शूटआउट के बाद यूपी में गैंगस्टर चरम सीमा पर थे। पूरब में मुख्तार अंसारी और प्रदेश सिंह की बादशाहत कायम हो गई थी, तो लखनऊ में अजीत सिंह और अखिलेश प्रताप सिंह की तूती बोलती थी। रेलवे और पीडब्ल्यूडी के ठेकों को लेकर एक बार फिर वर्चस्व की लड़ाई तेज हो गई थी। माफियाओं की इसी जंग में उभरा एक नया नाम, रमेश कालिया। रमेश कालिया वो नाम था जिसे सुनते ही ठेकेदारों और बिल्डरों की रूह कांपने लगती थी। जो पूर्वांचल जो इलाका है वो माफियाओं का वहाँ पे काफ़ी बोलबाला रहा है। 2003-2004 के आसपास जब श्री प्रकाश शुक्ला वाला गैंग उस समय वहाँ प्रभावी था, श्री प्रकाश शुक्ला थे और लोग थे, कई लोग थे, तो लगातार माफियागिरी वहाँ पर चल रही थी जो अभी भी जारी है, ऐसा नहीं खत्म हो गई है। उस समय विधायकों की हत्या करना, फोती के लिए लोगों को उठा लेना, रेलवे कॉन्ट्रैक्ट लेना, कोयले कॉन्ट्रैक्ट लेना, तो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट थे इन माफियाओं के परमिशन के बगैर नहीं हुआ करते थे। दरअसल छोटी मोटी वारदातों को अंजाम देने वाले रमेश ने साल 2002 और 2003 में अचानक जैसे गियर ही बदल लिया था। अब उसकी नजर सिर्फ जमीनों पर थी, खास तौर पर उन जमीनों पर जिनमें कोई लफड़ा होता था। वो ऐसी जमीनों पर कब्जा करता और रास्ते में जो भी आता उसका वो शूटआउट कर देता। अट्ठाईस अक्टूबर 2002 बाराबंकी शाम के 5 बजे थे। एसपी नेता रघुनाथ यादव अपने दो साथियों के साथ बाराबंकी से लौट रहे थे, जब उनकी सफेद रंग की एम्बेसडर कार सफेदा बाजार के पास पहुंची तो उनके ड्राइवर की नजर एक टाटा सुमो पर पड़ी। वो गाड़ी उनका पीछा कर रही थी। उसने यादव से कहा कि एक गाड़ी उनका पीछा कर रही है, लेकिन यादव ने उसकी बात को हल्के में लिया और उसे आगे बढ़ने के लिए कहा। तभी टाटा सुमो एम्बेसडर को ओवरटेक कर लेती है। जबरदस्ती कार सड़क के किनारे रुकवाई जाती है। उसकी लिस्ट में उन्होंने वर्कआउट किया और सबसे टॉप में रखा रमेश कालिया को, और रमेश कालिया का जिस प्रकार से एक लाइव इनकाउंटर नवनीत सिगेरा ने एक बहुत बहुत बड़ा रिस्क लेकर किया है, वो अपने आप में मील का पत्थर है। आज तक उसको कोई भी तोड़ नहीं पाया, इस प्रकार का जो उन्होंने इनकाउंटर किया था कि बराती बने, बराती बनकर गए हैं, नए गए हैं, दुल्हन भी बनी, पुलिस भी बराती बनकर जा रही है, फिर उसका लाइव इनकाउंटर हो रहा है, तो इतना बड़ा रिस्क लेकर नवनीत सिगेरा की टीम ने ये काम किया है। सुमो से 4 लोग निकलते हैं जिनके हाथों में पिस्तौल और राइफल है। बीडीसी मेंबर रघुनाथ समेत 2 लोग मारे जाते हैं, जबकि ड्राइवर और एक शख्स भाग निकलता है। बदमाश फिर सुमो में सवार होकर फरार हो जाते हैं। ये वो वक्त था जब यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। तब मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी प्रदेश की कानून व्यवस्था, खासकर राजधानी लखनऊ की, क्योंकि कालिया ने उन दिनों पूरे उत्तर प्रदेश में अपना आतंक पैदा कर दिया था। और तभी मुलायम सिंह यादव ने एक अहम फैसला लिया। उन्होंने डीजीपी के कहने पर मुजफ्फरनगर के तेज तर्रार एसएसपी नवनीत सिकेरा को लखनऊ बुलाने का फरमान जारी कर दिया। दिसंबर 2004 में नवनीत सिकेरा लखनऊ के एसएसपी बना दिए गए। नवनीत एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम से जाने जाते थे। आईपीएस नवनीत सिकेरा बदमाशों के लिए खौफ का दूसरा नाम था। खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बदमाश सिकेरा के नाम से थरथर कांपते थे। आलम यह था कि यूपी के क्राइम कैपिटल के नाम से जाने जाने वाले मुजफ्फरनगर में अपनी तैनाती के दौरान सिकेरा ने अलग अलग शूटआउट में कुल 55 बदमाशों को ढेर किया था।
जब घटनाक्रम हुआ था तो SSP नवनीत सिकेरा थे, शायद मुजफ्फरनगर में पोस्टेड रहे हों, शायद वही पोस्टिंग था उनका, तो उनको स्पेशली बुलाया गया था इस माफियागिरी को ख़त्म करने के लिए। अब वो SSP लखनऊ बने। SSP लखनऊ बनने के बाद उन्होंने अपना जितने आसपास के जितने बड़े टॉप क्रिमिनल्स हैं, 10 क्रिमिनल्स की लिस्ट उन्होंने संभवतः मंगाई थी उस समय, और उस क्रिमिनल्स की लिस्ट में उन्होंने वर्कआउट किया और सबसे टॉप में रखा रमेश कालिया को। और रमेश कालिया का जिस प्रकार से एक लाइव इनकाउंटर नवनीत सिकेरा ने एक बहुत बहुत बड़ा रिस्क लेकर किया है वो। लिहाजा लखनऊ को कालिया के खौफ से आजाद करने के लिए सिकेरा को वहां तैनात करने का शायद यही सबसे अच्छा समय था। नवनीत अब लखनऊ के नए SSP थे। उन्होंने अपने अधिकारियों के साथ बैठक की और निर्देश जारी करते हुए कहा कि उन्हें लखनऊ और आसपास के टॉप 10 माफियाओं की लिस्ट और उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स चाहिए, और वो भी 24 घंटे के अंदर। इस आदेश के बाद ही लखनऊ में SSP के फरमान का असर दिखने लगा। पूरे लखनऊ में माफियाओं और गुंडे बदमाशों की धरपकड़ शुरू हुई। कई को सलाखों के पीछे डाल दिया गया तो कई मुठभेड़ में मार गिराए गए। पुलिस की इस कार्रवाई से बदमाशों का सिंडिकेट चलाने वाले बड़े माफियाओं की नींद हराम हो चुकी थी। उस दौर में राजधानी लखनऊ में अजीत सिंह का सिक्का चलता था, खासकर रेलवे के ठेकों पर अजीत और उसके लोगों का एक छतराज था। किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि वो अजीत के खिलाफ चला जाए या चू भर भी कर दे, लेकिन एक शख्स था जिससे अजीत भी डरता था और वो नाम था रमेश यादव और रमेश कालिया। दरअसल उस दौर में अजीत सिंह, अखिलेश प्रताप सिंह और रमेश कालिया की अपनी सल्तनत थी। 4 सितंबर 2004 उन्नाव। लखनऊ से सटे उन्नाव जिले के गेस्ट हाउस में समाजवादी पार्टी के बाहुबली MLC अजीत सिंह का जन्मदिन मनाया जा रहा था। देर रात तक अजीत सिंह की बर्थडे पार्टी चली। नशे में धुत गनर और अजीत सिंह के चेले हवा में फायरिंग कर रहे थे। तभी अचानक एक गोली स्विमिंग पूल के नजदीक बैठी अजीत सिंह के सिर को छेद कर बाहर निकल गई। वो जमीन पर लुढ़क पड़े। अब रंग में भंग पड़ चुका था। फौरन अजीत सिंह को उठाकर इलाज के लिए कानपुर ले जाया गया, लेकिन तब तक वो मर चुके थे। दरअसल SP के MLC अजीत सिंह का कत्ल हुआ था। उनके जन्मदिन पर ही उन्हें मौत की सौगात मिली थी। चूंकि यह कत्ल सत्ताधारी समाजवादी पार्टी के MLC का था, लिहाजा अजीत सिंह की मौत की खबर आग की तरह पूरे सूबे में फैल गई। मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव खुद अजीत सिंह की अंतिम यात्रा में शामिल हुए। ये हाई प्रोफाइल मर्डर सियासी गलियारे में भूचाल ले आया। पुलिस पर कातिलों को पकड़ने का दबाव बढ़ने लगा। अजीत सिंह की दुश्मनी रमेश कालिया से थी, लिहाजा पुलिस ने कालिया के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया और शुरू किया ऑपरेशन कालिया। नवनीत सिकेरा का आज इतना खौफ है कि क्राइम कंट्रोल करने के लिए अगर हम सोचें, अगर हमसे किसी पश्चिम में किसी से पूछ लीजिए, मेरठ से लेके सहारनपुर से लेके नोएडा तक लेके, कि सबसे बेस्ट कौन है, सिकेरा। हम भी अगर हमसे भी अगर आप क्राइम कंट्रोल के लिए कहेंगे कि कौन अधिकारी यहाँ पे बेस्ट है, तो सिकेरा। तो सिकेरा खौफ है इन अपराधियों के लिए, इन माफियाओं के लिए। आज भी उसका खौफ है, आज भी उसका खौफ कायम है। कालिया की तलाश में लखनऊ पुलिस दल बल के साथ उन्नाव के कई ठिकानों पर रेड करती है, लेकिन हर जगह पुलिस को नाकामी ही मिली। तभी पुलिस को इम्तियाज नाम के एक बिल्डर ने कालिया के खिलाफ कंप्लेंट दी। उसने पुलिस को बताया कि कालिया उससे 5 लाख रुपए मांग रहा है।
एसएसपी नवनीत ने फौरन उसे बुलवाया। इधर पुलिस कालिया के खात्मे का प्लान तैयार कर रही थी, उधर कालिया बेफिक्र घूम रहा था। उसे नहीं पता था कि इम्तियाज की शक्ल में पुलिस को उसके खिलाफ एक तुरुप का इक्का मिल चुका है। एसएसपी ने इम्तियाज के जरिए रमेश कालिया तक पहुंचने की योजना बनाई। फरवरी 2005 एसएसपी के कहने पर इम्तियाज ने कालिया को फोन पर कहा कि वह अभी कुछ पैसा देने को तैयार है, जिसके बाद कालिया ने इम्तियाज को मिलने का टाइम दे दिया। बातचीत बेशक मुख्तसर थी, लेकिन घबराहट में इम्तियाज की सांसें तेज हो चुकी थी। वह घबराया हुआ इसलिए भी था और घबराना उसका लाजमी भी था, क्योंकि अब कालिया से मिलने का वक्त और जगह दोनों तय हो चुकी थी। 10 फरवरी 2005 एसएसपी ऑफिस लखनऊ ने इम्तियाज को बताया कि उसे डरना नहीं, वो उसके साथ साथ रहेंगे। शिकार पुलिस के जाल में फंसता दिख रहा था, लिहाजा पुलिस ने शूटआउट की तैयारी शुरू कर ली। पुलिस टीम ने कालिया के ठिकाने तक जाने के लिए एक योजना बनाई और बारात की शक्ल में धीरे से बिल्डिंग को चारों ओर से घेर कर धावा बोलने का प्लान बनाया। पुलिस की टीम बाराती बनकर 3 अलग अलग गाड़ियों में बैठकर नीलमत्था के लिए रवाना हो जाती है। इम्तियाज अपनी कार में पुलिस वालों से थोड़ा पहले रवाना होता है। इम्तियाज के पीछे पुलिस की बारात निकल पड़ती है। इम्तियाज कालिया के मकान में डरते डरते दाखिल होता है। कालिया और इम्तियाज के बीच बातचीत होती है। इम्तियाज अपनी जेब से नोटों की एक गड्डी निकालकर कालिया को देता है, लेकिन रकम केवल 40,000 होती है। इम्तियाज कालिया से सहम कर कहता है, भाई गुस्ताखी माफ, ज्यादा पैसों का इंतजाम नहीं हो सका। ये सुनकर कालिया उखड़ जाता है और पैसों की गड्डी इम्तियाज के मुंह पर दे मारता है, साथ ही उसको भद्दी भद्दी गालियां भी देता है। बस यही वक्त होता है कि जब बारातियों के भेष में आई पुलिस उस पर धावा बोल देती है। करीब 20 मिनट तक दोनों ओर से गोलीबारी होती है। इस दौरान कालिया और उसके 2 गुर्गे मौके पर ही मारे जाते हैं। इस खौफनाक एनकाउंटर में 2 पुलिस वाले भी गोली लगने से जख्मी हो जाते हैं। और इसी के साथ पूरा होता है मिशन कालिया। यूपी के तेज तर्रार पुलिस अफसरों में नवनीत सिकेरा का नाम भी शामिल होता है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने एक के बाद एक एनकाउंटर्स किए, उसके बाद से उनका नाम एनकाउंटर स्पेशलिस्ट पड़ गया। बात अगर रमेश काले की जाए तो रमेश काले के एनकाउंटर के अंदर कई पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए थे, लेकिन इस एनकाउंटर के दौरान रमेश कालिया को ढेर कर दिया गया था। फिलहाल के लिए शूटआउट में मेरे साथ बस इतना ही, लेकिन अगर आपके पास भी कुछ इस तरह की वीडियो है तो आप हमें इस पते पर भेज सकते हैं। हमारा पता है TV24H67 Sector 63 नोएडा 201301, फ़ोन नंबर 01206270100। हमारी हेल्पलाइन नंबर है 81307006900।